फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपनी टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है और इसका नोटिफिकेशन भारत में मंगलवार शाम से धीरे धीरे यूजर्स को दिया जा रहा है। व्हाट्सएप ने यूजर्स को नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए 8 फरवरी 2021 तक का समय दिया है। तब तक पॉलिसी को यूजर्स को एक्सेप्ट करना होगा वरना अकाउंट डिलीट करना होगा। आपको बता दें, यूजर्स को अपना अकाउंट जारी रखने के लिए नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करना जरूरी होगा, इसके लिए कोई ऑप्शन यूजर्स को नहीं मिलेगा। हालांकि अभी यहां पर नॉट नाउ का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, यानी अगर आपने नई पॉलिसी को कुछ समय के लिए एक्सेप्ट भी नहीं किया तो आपका अकाउंट चलता रहेगा। नई पॉलिसी में फेसबुक और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन ज्यादा है और अब यूजर्स का पहले से ज्यादा डेटा फेसबुक के पास होगा। व्हाट्सएप का डेटा पहले भी फेसबुक के साथ शेयर किया जा रहा था, लेकिन कंपनी ने साफ कर दिया था कि फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन ज्यादा रहेगा। व्हाट्सएप की अपडेटेड पॉलिसी में आपके द्वारा कंपनी को दिए जा रहे लाइसेंस में कुछ बातें लिखी गई है। इसमें लिखा है कि हमारी सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए आप व्हाट्सएप को जो कंटेंट आप अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, उनको यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले करने के लिए दुनिया भर में नॉन एक्सक्लूसिव, रॉयल्टी फ्री, सब लिसेंसेबल और ट्रांसफरेबल लाइसेंस देते हैं। साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि इस लाइसेंस में आपके द्वारा दिए गए अधिकार हमारी सेवाओं के संचालन और उपलब्ध कराने के सीमित उद्देश्य के लिए हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।